ईरान के हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति रईसी समेत सभी के सभी मारे गए। हादसे वाली जगह पर हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिल गया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार शाम में लापता हो गया था। तब से इसे खोजने के लिए कई रेस्क्यू टीमें लगी हुई थी। इधर जब से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का यह हेलीकॉप्टर गायब हुआ, देश के शीर्ष नेताओं की आपातकाल बैठक जारी है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा चल रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर देजफुली राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जगह ले सकते हैं। मोहम्मद मोखबर देजफुली को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का करीबी बताया जाता है। मोहम्मद मोखबर ने कई सालों तक आयतुल्लाह अली खोमेनी के आदेश पर बने हुए फाउंडेशन को लीड किया है। वो ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर लीडर हैं। मोहम्मद मोखबर का जन्म 1955 में हुआ था। उनके पास दो डॉक्टरेट डिग्रियां हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों में एक डॉक्टरेट अकादमिक पेपर और एक एमए शामिल है। साथ ही मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की डिग्री भी है। मोहम्मद मोखबर देजफुली को 2010 में अमेरिका ने बैन कर दिया था। उन्हें परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में कथित तौर पर शामिल होने के कारण बैन कर दिया गया था। हालांकि 2 साल बाद मोखबर को बैन की सूची से हटा दिया गया। इब्राहिम रईसी की तरह ही मोहम्मद मोखबर भी कट्टरपंथी लीडर हैं। बता दें कि देश में 50 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा, इसके बाद ईरान को नया राष्ट्रपति मिल सकता है।